बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस चैनल पर दोस्तों। तो प्रेगनेंसी के कितने दिन हो चुके हैं या हफ्ते हो चुके हैं, आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा अगर आपने प्रेगनेंसी कंसीव कर लिया है तो, या फिर इम्प्लांटेशन हो गया है या फिर फर्टिलाइजेशन हो गया है, डेट मिस होने वाला है या मिस हो चुका है, आखिर कितने हफ्ते हो चुके हैं या महीने हो चुके हैं, किस तरीके से आप जानेंगी। बहुत ही ईजी है जानना, बस आपको एक चीज़ ध्यान रखना है, याद करना है, वो क्या है कि आपका पीरियड कब आया था, आपका पीरियड का जो पहला दिन था वो किस तारीख को था, तभी आप कैलकुलेट कर पाओगे। अब जब आपको पहला दिन याद है कि आपका पीरियड उस दिन शुरू हुआ था, आप सोचोगे कि शुरू होने से क्या मतलब है। जी हाँ, इससे कोई वास्ता नहीं है कि आपका पीरियड कब ख़त्म हुआ, चूँकि ज़्यादा से ज़्यादा चलिए मैक्सिमम 5 दिनों तक या 6 दिनों तक रह रहा होगा उस वक्त ख़त्म हुआ, या फिर इससे भी कोई वास्ता नहीं है कि आप ओवुलेट कब कर रही हैं, आपका एग कब रिलीज़ हो रहा है, या फिर आपने डेट कब मिस किया, यानी कि इम्प्लांटेशन कब हुआ या फिर आपका डेट कब मिस हुआ। वहाँ से आप चालू करोगे जानना कि कब आपकी प्रेगनेंसी की गिनती होगी, क्या वहाँ से, बिल्कुल भी नहीं। इन सब डेट्स का कोई वास्ता नहीं है, आपको जानकारी नहीं भी है, अगर आप बोलोगे कि मुझे इसकी नॉलेज नहीं है, लेकिन इसकी तो नॉलेज होगी कि आखिर आपका जो पीरियड है वो किस दिन आया था, पहला दिन कौन सा था। बस वही दिन की जानकारी रहना ज़रूरी है, और जिस दिन पहला दिन था, अब उस दिन आप वेट करोगे नेक्स्ट मंथ कि उस दिन आपका पीरियड आ रहा है या नहीं। नहीं आया, इसका मतलब ये आप ये बोलोगे कि शायद हो सकती है कि प्रेगनेंसी कंसीव हो चुकी है। आपने टेस्ट किया, चलो एक लाइन धुंधला आ रहा है, फिर से आपने 2 दिनों बाद या 3 दिनों बाद टेस्ट किया तो 2 लाइन आपको पॉजिटिव दिख रहे हैं, इसका मतलब आपने प्रेगनेंसी कंसीव कर लिया है। यहाँ आपकी प्रेगनेंसी कब, मतलब कितने हफ्तों की हो गई, तो 4 से 5 हफ्तों की आपकी प्रेगनेंसी हो गई। जब आपने डेट मिस किया तब आपकी प्रेगनेंसी 4 हफ्तों की थी, आपने 1 हफ्ता लगा दिया टेस्ट करने में, तब आपकी प्रेगनेंसी चलो 5 हफ्तों की हो गई है। अब 6 हफ्ते 7 हफ्ते तक तो बच्चे की हार्ट बीट आनी शुरू हो जाती है, एक लाइफ आपके अंदर पलने लगती है, धीरे धीरे अब उसकी डेवलपमेंट होने लगती है, उसकी ग्रोथ होने लगती है, आपको बहुत सारे सिम्टम्स दिखेंगे, जैसे कि पेट के निचले हिस्से में दर्द होना इम्प्लांटेशन के दौरान, जो कि डेट मिस होने से पहले भी हो सकता है, बाद में भी हो सकता है, या फिर अब आपको सिम्टम्स बहुत पक्के तौर पे गैस होना, गैस की वजह से भी पेट में हल्का फुल्का दर्द बना रहता है, मूड स्विंग्स होंगे, एनर्जी काफ़ी लो लगेगी आपको, पेट के निचले हिस्से में आपको भारीपन महसूस होगा, ब्रेस्ट में टेंडरनेस फील होगा। तो जैसे ही डेट मिस होता है बहुत सारे लक्षण देखने को मिलते हैं, तो इंतज़ार कीजिए और अपनी प्रेगनेंसी अच्छे से इन्जॉय कीजिए। जाते जाते इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कॉमेंट करते जाएँ। धन्यवाद।